अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल अना के लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है दानीन का अरीश बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसकी बहुत केयर करता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए। और दूसरी तरफ आनिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको लेकर फौरन हॉस्पिटल जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप बताएं कि माँ को बचाया जाए या फिर बच्चे को, जिस पर सब लोग यही कहते हैं कि आप माँ को बचाएं। लेकिन बदकिस्मती से बच्चा तो बच जाता है लेकिन आनिया मर जाती है। ये सुनकर अरीश बहुत बड़े सदमे में आ जाता है, और अल्तमश भी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी और वो बहुत बुरी तरह से रोता है। ईज़ा उसे बहुत मुश्किल से संभालती है, तो अरीश वो बच्चा लेकर दानीन की गोद में डाल देता है और कहता है बनोगी इसकी माँ, सारी ज़िंदगी प्यार करो कि इसको माँ की तरह। जिस पर दानीन हामी भरती है कि हाँ मैं बनूंगी इसकी माँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ईज़ा और अल्तमश की शादी हो रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर से अरीश के बाप को भी अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने जो ज़बरदस्ती की थी ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, और उनकी अपनी बेटी उनका मुंह काला कर चुकी है। तो व्यूअर्स, ये था अना ड्रामे के लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए, और आपको इस ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग किस एक्टर की लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।